पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। तो दोस्तों, पूरे 3 साल के इंतजार के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की नई मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है पठान। और इस मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त क्रेज है। सेम ऐसा ही क्रेज हमें केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज से पहले देखने को मिला था। और आपको तो पता ही है कि केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो उम्मीद की जा रही है कि पठान मूवी को भी ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है और ये मूवी एक बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और यही रीजन है कि इस मूवी का पहला सॉन्ग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सॉन्ग बन गया है कम समय में, और सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला सॉन्ग भी बन गया है। लेकिन इस गाने के रिलीज होते ही फिर से हमें बॉलीवुड का वही पुराना ट्रेंड देखने को मिला। जनता दो भागों में बढ़ गई। एक तरफ तो वो जनता है जो कि इस गाने को सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी जनता है जो कि ट्रोल कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस गाने के अंदर न्यूडिटी ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और यही रीजन है कि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर खराब होता जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस मूवी का जो डांस है और इस मूवी का जो सॉन्ग है, लिरिक्स हैं, वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से। लिरिक्स एंड म्यूजिक किसी और दिशा में जा रहा है, जबकि डांस किसी और दिशा में जा रहा है। लेकिन वहीं बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि इस गाने को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें ये गाना सुनकर मजा आ रहा है। और यही रीजन है कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस गाने को 2 दिनों से कम में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 1 मिलियन के करीब लाइक्स हासिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि जो भी इस गाने को ट्रोल कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और जिनको ये गाना पसंद आ रहा है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर निकल कर आ चुकी है कि इस गाने की वजह से दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है न्यूडिटी फैलाने के इल्जाम में। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मूवी के रिलीज से पहले और कौन कौन से विवाद हमें देखने को मिलते हैं। तो इस मूवी से जुड़ी सारी जानकारी के लिए और साउथ की नई नई मूवी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकॉन को दबा देना, ताकि साउथ की कोई भी नई मूवी रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।